आपके साथ शेयर कर रहे हैं बेसन की रोटी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चटनी बना लेते हैं, हरी चटनी बना लेते हैं। तो ये हरा मिर्च है, ये लहसुन की कली है, और ये हरा धनिया है, और ये टमाटर है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। मिक्सर जार में मैंने हरी चटनी पीस ली है। आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने प्याज बारीक काट लिया है, हरा मिर्च काट लिया है, और दो टमाटर डालेंगे। एक तेल डाल रहे हैं, प्याज को इसमें तल लेते हैं। प्याज मिर्च दोनों, आलू मीडियम साइज के काट के रख लिए हैं। ये ब्राउन हो गई है, इसमें टमाटर कटा हुआ डाल देते हैं। थोड़ी देर ढक के भूनते हैं लो फ्लेम पे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, इसमें आपको जरूरत हो। इसमें पानी नहीं डालना, बगैर पानी के बनाना है। अब इसको ढक देते हैं। देखिए मैंने पानी नहीं डाला है, आलू में जो पानी निकल रहा है उसी से ये पक जाएगी। सब्जी तैयार है, अब इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। ये बेसन का आटा है, गेहूं का मिलाते हैं और दोनों गूंद लेते हैं। इसमें एक चम्मच घी डालिए, क्योंकि गैस पे बना रहे हैं और ये मिट्टी के चूल्हे पे बनता है। ये देखिए, ये हाथ से बनाई जाती है ये बेसन की रोटी। इसमें पानी लगा लें हाथ में। मिट्टी के चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती है, हम गैस पे बना रहे हैं। देखिए हो गई है ये, अब इसको धीमे धीमे सेक लेते हैं। सेका जाता है मीडियम फ्लेम पे, सेका जाता है ये, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा। इसी घी लगा दीजिए, इसको दही, हरी धनिया, टमाटर की चटनी और आलू टमाटर और हरी धनिया की सब्जी के साथ सर्व करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा तो मेरी रेसिपी जल्दी मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।